हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल टेक्नो जुनैद में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गाइज, आप किस प्रकार से अपने जीबी व्हाट्सएप के होम स्क्रीन के ऊपर अपना खुद का फोटो लगा सकते हो, या फिर चाहे तो आप किसी और का फोटो लगा सकते हो। दोस्तों, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस प्रकार से अपने जीबी व्हाट्सएप के होम स्क्रीन के ऊपर फोटो को सेट कर सकते हो। तो अगर आप जानना चाहते हो कि जीबी व्हाट्सएप के होम स्क्रीन में फोटो सेट कैसे किया जाता है, तो इसको बताने के लिए चल चलते अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर मैं आ चुके अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, और गाइज यहाँ अपने मोबाइल में जीबी व्हाट्सएप को ओपन कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ मैंने जीबी व्हाट्सएप को ओपन कर लिया, और गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे मोबाइल यहाँ पर फोटो लगा हुआ है होम स्क्रीन के ऊपर। तो आप भी कुछ इस प्रकार से चाहते हो अपने जीबी व्हाट्सएप के होम स्क्रीन फोटो सेट करना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग करना पड़ता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर लेना होता है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पर नीचे के साइड में जो कट का ऑप्शन है, उसके ऊपर जो पी कलर से बना हुआ है, पी टाइप का, आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी है, एड ऑनस है, अपडेट है, अबाउट है, थीम है, यूनिवर्सल है, होम स्क्रीन है, चैट स्क्रीन है, और यहाँ पे वेटेज है, और यहाँ पे शेयर जी व्हाट्सएप प्रो है, इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ है। तो गाइज होम स्क्रीन के ऊपर फोटो सेट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर लिखा यूनिवर्सल, आपको सिंपली यूनिवर्सल पे क्लिक कर लेना होगा। तो यहाँ पर यूनिवर्सल पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो गाइज अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर देखने को मिला फर्स्ट में ही कलर्स का ऑप्शन, आपको सिंपली कलर्स पे क्लिक कर लेना होगा। मैं कलर्स पे क्लिक कर लिया। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल में इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको सिंपली यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा बैकग्राउंड का ऑप्शन, आपको सिंपली बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। तो अब बैकग्राउंड पे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर लेते हो तो आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सॉलिड कलर, ग्रेडिएंट कलर, और यहाँ पे फोटो का ऑप्शन। तो गाइस आपको सिंपली यहाँ फोटो सेलेक्ट करना था, यहाँ पर सिंपली फोटो पे हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके यहाँ पर वाला गैलरी ओपन हो जाएगा। यहाँ पर गैलरी पे क्लिक कर लेते हैं, आप चाहे तो फाइल मैनेजर भी ओपन कर सकते हैं, और यहाँ से हम फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं एक। तो गाइस यहाँ से मैं अपना खुद का फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर ये रहा मेरा फोटो, मैं इस पर क्लिक कर लिया, और गाइस यहाँ पर इस प्रकार से लोडिंग लेगा, और इस प्रकार से इसे सेव कर लेते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से हम क्रॉप कर लेंगे, और क्रॉप करने का सिंपली हम सेट वॉलपेपर पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर मेरा वॉलपेपर सेट हो गया। चलिए हम बैक चलते हैं और आपको दिखा देते हैं। तो गाइस यहाँ से मैं बैक आ गया, और आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा फोटो यहाँ पे होम स्क्रीन पे लग चुका है। सो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आप भी अपने जीबी व्हाट्सएप के अंदर होम स्क्रीन के ऊपर फोटो सेट कर सकते हो। आई होप गाइस आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा।